हेलो हाँ जी असलम बोल, जी सर। जी असलम हिदायत खान कमांडो बोल रहा हूँ चिदानी। सर ठीक हो? ठीक हाँ जी ठीक तो ना हो? जी। मेरा चैनल उड़ा दियो जी, का ही नहीं, एक फेसबुक हैक कर ली, पता नहीं किसने कर ली। मुझे 40 दिन लगा था अल्लाह के रास्ते में, तो शर्म की बात है, उसे बड़े दुखी हो। जी मैंने बोला बड़े शर्म की बात है, 40 दिन अभी लगा का है चिल्ले में, और बड़े दुख की बात है। चिल्ले से कुछ सीखता है इंसान, कुछ ना कुछ कंट्रोल ही करता है। लोग भी दुआ कर रहे हैं भाई, असलम हर भाई जमात में गए हैं, बहुत अच्छे इंसान बनने जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे। आते ही आपने उसे दीन हदीस से गाने पे जोड़ दिया, कहीं तस्बीह से जोड़ दिया, कहीं बिल्ली को दुआ से जोड़ दिया, कहीं नवाज से जोड़ दिया, कहीं आपने जागनी रात से जोड़ दिया। क्या तुझे थोड़ी बहुत तोल नहीं पड़ती असलम? तो खूब पड़े जी, लेकिन अब कैसे बता जी, ऐसे सोच इतना ही कि भाई अभी तेरे को हो जाएगा। सर अब ऐसे सब ही गा रहे हैं या है बाकी, नहीं, अब अल्लाह हमने तो अल्लाह का राम रहे का, तो खुद सोचे अगर गैर मुस्लिम यहाँ गा देते तो ट्रोल हो जाता मामला, अब तक कितना बड़ा मसला बन जाता। क्योंकि उनके उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने भाई जैसे कोई छेड़ के गाता है, लेकिन तुम्हें तो हदीस का कितना ज्ञान था, हमें तो एक बिल्ली और इन कुत्ती, इनसे हमारा क्या वास्ता जो हम अपनी तस्बीह और कुरान को और अपने ईद को इनसे जोड़े। थोड़ा ये बहुत बेतुका और बहुत बुरा लगा, और मुझे ही नहीं लगा पूरे समाज को लगा, पूरा समाज नाराज इस चीज से। और आपने अब तक भी समाज का भी ये नहीं सोचा कि मैं माफी मांगू समाज से, मुझसे गलती हो गई, खुदा से मांगू, खुदा क्या करो इसी भाई मुझे तोबा, ऐसे अस्तगफार पड़े, एहसास तो होना चाहिए तुझे थोड़ा बहुत। अब सर जी देखो, पांचों टाइम हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, बाकी ये है, अब कैसे बताएं जी। अब आप मैं मान रहा हूँ नमाज पढ़ रहा आदमी बहक जाता है, पहले काम उसी लाइन से जुड़ा हुआ है तो बहक गया, सब कुछ हो सकती है। लेकिन अब तुझे खूब पता है, जब तेरे बारे में ये चीज हो चुकी है वायरल और तू डाल चुका, तो एक समाज अल्लाह से तो दे मांगना ही, अल्लाह ही बड़ा होता, अल्लाह से मांगी जाती माफी तो। लेकिन समाज में भी ये चीज डाल, भाई मेरे से गलती का एहसास हो, मुझे तोल नहीं पड़ा इस चीज का, बाकी मेरा कोई अंदर आना ऐसा मकसद नहीं था। तो कुछ तो तेरा अभी तक आना चाहिए स्पष्टीकरण, तेरा कुछ भी इस चीज के बारे में कोई जवाब नहीं आया। मैं खुद ने ना, प्लान बना रखा कल तेरे गाँव आने का, हमने मैं करूं कैसे जी, तैयार मेरे चैनल ही हैक कर रखे हैं जी सब। मतलब कुछ मुंह पे छोड़ो ही नहीं, इनने मुंह परेशान इतने कर रहे हैं। पहले सुई में जमात में गया, जब ही सुई तेरे पास मोबाइल है ना? लोग बाग टॉर्चर इतने कर रहे हैं जी। नहीं, कोई टॉर्चर नहीं करता, खुदा से बड़ा कोई नहीं होता। दीन का मसला है, इससे ताल्लुक तू समझदार है, अनपढ़ नहीं है असलम, नया लड़का है, तू सब चीज समझता है, पता अब नू नहीं बताओ जी, क्यों नहीं अब समझ सकता, अगर यही अब लड़का है, हमने खुद अगर यही अगर हम लड़का है। तो अगर ना कोई हो सुनो, तो पढ़े लिखे ना होते जी, अब काई को हमें यही जमात में बोलता, भी। कोई जलील आदमी है, मान लो कोई कुत्ता है तो तू कुत्ता थोड़ी बना उसके साथ, अगर तू सोचे किसी और ने भी गाया हो उसके साथ जलील तो नहीं बना जा सकता ना। ना बात तो सही नहीं, है अगर जी। जलील बना, अगर इस चीज से कोई अगर बड़प्पन मिलता हो या बढ़ाई हो, तो ये तो गलत बात है बहुत ही, मतलब हम तो लानत वाली बात है। तो सही बात है जी। इस चीज का तुझे खुद एहसास होना चाहिए ना, दूसरा क्या बना रहा है, दूसरा अपनी माँ बहन जुदा है, कोई कुछ भी करे, तुझे तो सुधार लाना, नया लड़का, ये अभी तेरी पूरी उम्र पड़ी है, तेरी लाइफ पड़ी है, हम पे तेरी बस की बात नहीं है कि हम तेरे गाने को नहीं रोक रहे। अब तू क्योंकि हम गाने को तो किस किस को रोकेंगे, अश्विन हार जैसी डांस कर रही है, दुनिया भर की लड़कियां खड़ी हो रही है, लेकिन तुझसे उम्मीद इसलिए थी, तू जमात में क्यों गया? जमात में गया तो जमात से कुछ सीख के यही आया क्या? इस बात का दर्द हो रहा, तू जमात में ना जाता ना, तेरा जब दर्द नहीं हो रहा था किसी के भी इतना, अल्लाह के रास्ते में जाके, और फिर तो इतना बड़े गाना गा दिया और तुझे तोल नहीं पड़ा, और फिर तेरा अब तक कोई जवाब नहीं आया। तू YouTube ये बहाना मत लगा कि भाई मेरा किसी ने कर ले, छोड़ अल्लाह देख रहा है। तू ये कह भाई खुदा के वास्ते मेरे से गलती होगी, मैं आइंदा ऐसी तरह की कोई हरकत नहीं होगी, मैं इंशाल्लाह अमल करूंगा और इंशाल्लाह जमात का सर पूरा रहेगा, ये शैतानों के काम है, मेरे से गलती होगी, बस पहले की आदत थी, उस आदत से मेरे से ये हाल हुआ। ये सोच होनी चाहिए असलम, अपने आप को बदलो, खुदा की कसम तेरे गाँव आने का कल मैंने प्लान बना रखा। कमांडो हिदायत खान बोल रहा हूँ चंदेणी, तू भी मेरे को जी देखता होगा, मैं नशे के ऊपर काम कर रहा हूँ समाज के अंदर, कितने बड़े लेवल पे हम समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं, और अब तुम लोग एक नए यंग ब्लड हो गए, तुम आते ही जमात का असर 40 दिन भी नहीं रहा, खुद देखते हो, अपने खुद गहराई सुनो। मैंने खुद परिवार के सामने बैठ के उसको सुना तेरे गाने को पूरे को, नहीं मैं कभी गाना नहीं सुनता, मैं सच बता रहा हूँ, मैं कभी नहीं सुनता। मेरे पलवल से दूर में दूर से साथी फोन कर रहे हैं, इलाज भाई इसको बताओ, मैंने यार बताया गया इसको इतनी मैं कह तोल रहा कौन हूँ जी, सी, नया वैसे ने लड़का यंग लड़का है। चलो मेरे से तो चलो, अब भाई गलती होगी भाई, मेरे तो सब काम खराब ही हो गए। असलम अल्लाह से बड़ो कोई ना, बाकी यो है कि अल्लाह से दिल में रोके अल्लाह मांग, को अल्लाह बड़ो है,
अल्लाह की बात बड़ी है, दीन बड़ा, लेकिन यू कुरान बड़ी यू है जी, बताऊं जी, यू जी। पॉड भी ना मचतो जी, बस अब कैसे लगा लियो नहीं बाकी। ये पौड़ क्यों मचा? सुन तो ले, तू जमात में गया तो तेरे लिए दुआएं की ये लोगों ने, अल्लाह तेरा शुक्र है, अच्छे अच्छे लोगों का कल ठिकाना आ रही है, अल्लाह के रास्ते में जा रहे, असलम अजान दे रहा, तेरी अजान वायरल हो रही थी क्या जब तेरे को नहीं याद आया? तू अजान दे रहा जमात में जा रहा, तो तेरी यहाँ वीडियो हम देख रहे हैं सब लोग, तेरा गाना कभी नहीं देखा हमने, तेरा अच्छे काम देखे, तेरा इतना सुन के हमें पता था असलम में कोई गाना गाता है, लेकिन तेरी अजान को तेरी जो दीन की कोई बात अगर आई तो हमने लोगों ने पता लगा, लोग खुश हुए, अल्लाह के राम गया। तो अगर कोई बुरी चीज है तभी तेरे को मैंने फोन किया नहीं चीज, और सही बात। कितने लोग चलो कर कोई रहे ना जी, होंगे मैं आपके, उसके लिए कोई ना, इंशाल्लाह आगे से ना कर सुया, मतलब दीन की बात में। कोशिश ये कर, करेगा तो खुदा भरेगा। देखो सब चीजें अल्लाह पाक सबको जानता है, लेकिन समाज के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। तो अपने ही YouTube चैनल से मत मांग, तो अपने ही एक किसी भी आईडी से, अपनी फेसबुक आईडी से, या अपनी कोई भी एक वीडियो क्लिप डाल के कह भाई खुदा भी माफ करे, भाई तुम भी समाज वाले हो, बस वो तोलना पड़ो, मुझसे गलती होगी, अल्लाह माफी चाहता हूँ भाई। ठीक है किसी के नाम लेने की जरूरत ना, किसी का कोई दबाव की जरूरत नहीं है, हम तो एक समाज के सेवक है, तू खुद जानता है हिदायत कमांडो समाज में क्या काम कर रहा है, नशे को लेके मैं कहाँ कहाँ दर दर भटक रहा हूँ, किस किस तहसील में काम कर रहा हूँ नशे को लेके। तो अब उन चीजों को रोके क्या, इन बुराइयों को रोके, ये बताओ। ठीक है जी, इंशाल्लाह आप कोई बात ना जी। देखो अब तो होगी भाई, अब यू मैंने तो तो डिलीट भी कर दिए सब, तो होगी, अब तो लोग लेकिन सुनेंगे यू है भाई मेरे पीछे तो कुछ ज्यादा भी लगे पड़े हैं, नहीं, हम मतलब लोग लगने वाले इतने नहीं है, हम इतने लोग मैंने तो ना छोड़ो जी, मैंने इतने सॉन्ग मैंने ना छोड़े, इतने दूसरे ने छोड़ कर वायरल कर बिल्कुल दिए यू दुश्मन होते रात हैं, रात में, हर ग्राउंड में एक है दूसरे के ना। दुश्मन होते हैं, सुनो मेरी बात मैंने को, बहुतेरे चैनल डिलीट करवा दिए बहुतेरे, अब रात में ये सारे सिंगर चिड़ा हमोसू, कोई कुछ कह रहो कोई कुछ कह रहो, सिर्फ या वजह से कह रहो कि या के सॉन्ग ही महंगे क्यों बिके, याई के सॉन्ग क्यों चले हैं यूट्यूब पर फेसबुक पर, हमारे क्यों ना चले, सिर्फ या वजह से। असलम बात को सुन, छोटा सा सुन, ठंडा दिमाग से सुन, इस बात को सुन, अब मैं तुझसे कुछ बोलूँ अच्छे, इस बात है क्या, ये चीज सोच कि दो तेरे से कोई चिढ़ता है, अरे यार कोई चिढ़ता कौन, भाई भाई से चिढ़ रहा, समाज सब चिढ़ता है एक दूसरे, हम भी जानते हैं एक दूसरे से कोई नफरत भी करते होंगे, अल्लाह ना चिढ़े, ऐसी बातें ना करो, खुदा के बुरे लगे समाज के बुरे लगे, ये वो चीज थी जो खुदा के बुरी है समाज के बुरी है, तुझसे उम्मीद नहीं की जा सकती इस चीज से, दीन से ताल्लुक से। हाँ तुम गा रहे थे क्या कभी हिदायत कमांडो का फोन आया तेरे पास आज तक, या मुकीम कमांडो का आया हो फोन तेरे पास आज तक? हम दोनों खड़े हैं अभी चारों में, ये मुकीम ले बात कर, कर हेलो, बात कर, जान दे। सलाम सलाम हेलो भाई, सलाम जी। एक बात है, हमने कोई एतराज ना है आपसू, कुल मिला के पर्सनल वो भी ना है, हम भी कुल मिला के कभी कभी सुन ले आपके गाने में, ऐसी कोई दिक्कत ना है, लेकिन जो यू दीन वाले मैटर में गाने गाए जावा ना भाई, जागनी रात और क्या नाम है ये चीज, जहाँ जमा तस्बी, इन चीज ने दूर रखे आप यह चीज, बाकी आप चलो जो इंशाल्लाह देखो आगे सो, तो बाकी नहाए को वैसे खास मैंने कोई यू यू चीज ना करी कि ले मेरो मामलो खराब हो या मेरे दीन पे कोई आंचा, यार देख तुझे हम तोल जो नहीं कह रहे पड़ा, हैं हम भाई, समझ रहे हैं, मैं कोई समझ मैं गया, अनपढ़न को भी ना, बिल्कुल अनपढ़न को ना, मेरो ताऊ मोल साहब, मेरो भाई हाफिज मौलाना टाई में पढ़ रहे हैं, टाई वाले मंदर से अटभर के पास, अटभर के पास है जो। अब सुन तो ले, तेरी सुन लिया हमने, तोल ना पड़ो, हम समझ रहे हैं तेरी बात, तो तोल ना पड़ो, ऐसे ही हो जा करे, सुनो गलती हो जाए इंसान, इंसान से धोवे ना हर चीज, या चीज को ऐद कर दिल में, इंसान बनने कोशिश कर, बाकी देखो जो तू गाने बनाने तो बनाएगा, तू किसी हमें रुकता नहीं, डांस भी करेगा तो करेगा, हमसे नहीं रुकता, अपना नुकसान है, जो भी तू करेगा अपनी फ्यूचर के लिए करेगा, लेकिन कहीं हदीस का जहाँ मामला ऐसे आएंगे वहाँ समाज के जिम्मेदार लोग आपको जरूर फोन करेंगे, समाज के लोग तेरे पास जाएंगे भी, बोलेंगे भी, और नहीं पता क्या क्या समझाएंगे हर तरह से, ये तेरे को ठीक है जिम्मेदार पर्सन ने मेरे वास्ते फोन किया, हिदायत कमांडो पता कर लेना पूरे, तो अपनी गायकी वालों से ही पता कर लेना हिदायत कमांडो मेरे वास्ते कौन है चंदेड़ी से, मैं फोन कर रहा हूँ चलो, तो एक एहतियाती जिम्मेदारी, 10 लोगों का जब मेरे पास फोन आ गया तब मैंने तुझे कॉल किया है, जी, और मैं तेरे भाई को कॉल किया, भाई से तेरा नंबर लिया मैंने, फिर उसके बाद तेरे पास 11 बजे सुबह से मैं ट्राई कर रहा हूँ, फिलहाल मैं चार रहा हूँ, और हम यही प्लान कर रहे थे कि भाई कल किस तरह इसके गाँव जाया जाए, अब वहां के हम जनाजा निकाले इस बात को लेके, फिर वहां भी तो यही बात होगी, तो रोटी भी खिलाओ और तू बातें भी सुनाओ वहां हमारी, माने बात पूरा को, तो बेशक, ये चीज है, तू ये दूर सुई समझ ले यार, ये अच्छी चीज ना है, ठीक है इंशाल्लाह कोई ना जी, अल्लाह दोबारा पाक से माफी मांग, इंसान से किसी मांगने की जरूरत नहीं है, अल्लाह पाक भाई मुझसे गलती होगी तो इंसान से कहे माफी मांगने की जरूरत ना, और भाई मैं आइंदा एहद करूंगा इंशाल्लाह, मुझे तोलना पड़ो माफ करिए बस,
और भाई समाज को दिल दुख हो तो मैं माफी चाहता हूँ, बस किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी वीडियो छोड़ देगा उससे समाज को एहसास हो जाएगा, लेकिन उसको एहसास हुआ किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह पाक अर्श से फर्श पे ले जाए, फर्श से अर्श पे ले आए भाई, ठीक है ना। और कश्मीर ड्यूटी ईद पे छुट्टी आए पड़े हैं, हम तो इस वक्त को भी तेरे पास देने के लिए तैयार है, ठीक है ना। कोई दिक्कत ना जी, इंशाल्लाह ठीक है ना, कर दूंगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।